नमस्कार। भारतीय राजनीति में दो सीटों से चुनाव लड़ने का चलन कोई नया नहीं है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से लेकर नरेंद्र मोदी तक भी दो दो सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार 2019 के चुनाव में राहुल गांधी भी दो सीटों से चुनाव लड़े थे, लेकिन उस बार उनका दो सीट से चुनाव लड़ना विवादों में पड़ गया था। केरल में उनके राजनीतिक विरोधियों ने शुरू से ही उनके दो सीट पर चुनाव लड़ने को मुद्दा बना दिया था, लेकिन अब जबकि रायबरेली से उनका नाम फाइनल हो गया है तो उनके खिलाफ बयानबाजी चरम पर पहुंच गई। कल तक यही चर्चा थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या रायबरेली से, यह सवाल था। वे यूपी से लड़ेंगे भी या नहीं, सारे कयासों में यह ख्याल से ही निकल गया कि एक हफ्ता पहले वो वायनाड से अपनी किस्मत आजमाकर लौटे हैं, और अगर वो यूपी में गांधी परिवार की परंपरागत सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो वायनाड वाले क्या सोचेंगे। अब जबकि राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन भर दिया है तो केरल में उनके राजनीतिक विरोधियों ने हमला बोल दिया है। विरोधियों ने राहुल गांधी पर वायनाड और केरल की जनता को धोखा देने और उनसे झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी से अभी से ये भी पूछा जाने लगा है कि यदि वो दोनों सीटें जीत जाते हैं तो कौन सी सीट से वो इस्तीफा देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो राहुल गांधी की उम्मीदवारी को अलग ही लेवल पर ले गए हैं। उन्होंने अपने टिप्पणी के वीडियो को सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी ने बस इतना ही लिखा, डरो मत भागो मत। अब राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने चंद वोटों के लिए वायनाड से धोखा क्यों किया। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सबसे नाराज वायनाड से वाम दल की उम्मीदवार एनी राजा हैं। वो कहती हैं कि चुनाव कानून में ये जरूर है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी को ये चाहिए था कि वे वायनाड के लोगों को बताते कि वे दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उनके दो सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी तो पहले से ही चल रही होगी। उन्होंने वायनाड के वोटरों को हल्के में लिया है और उन्हें छलावे में रखा गया है। वे कहती हैं ना राहुल ने और ना ही कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक नैतिकता का पालन किया है। पहले वे अमेठी को अपना परिवार कहते थे, फिर वायनाड को अपना परिवार कहते हैं, और अब वो रायबरेली को अपना परिवार कहेंगे। जब राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से नामांकन भरा था तभी से इंडिया गुट के दोनों पार्टनरों कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तलवारें खिंच गई थी। 2 अप्रैल को एक सभा में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहां तक कह दिया था कि यदि राहुल गांधी बीजेपी को चैलेंज करना चाहते हैं तो वो उससे सीधे सीधे मुकाबला क्यों नहीं करते। लेफ्ट उम्मीदवार एनी राजा के सामने चुनाव लड़ने से उन्हें क्या मिलेगा। मणिपुर की फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा रही एनी राजा की बदौलत ही वहां पर हुई हिंसा का सच सामने आ सका था। देश में जहां भी प्रदर्शन होता है एनी अक्सर वहां मौजूद होती है। कोई पूछे कि उस समय राहुल गांधी कहां होते हैं, अपने चुनाव प्रचार के दौरान एनी राजा भी कांग्रेस पर इसी तरह के हमलावर होती रही है। केरल बीजेपी प्रमुख और वायनाड से बीजेपी के उम्मीदवार के सुरेंद्र ने राहुल गांधी पर वहां के वोटरों से झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। वे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड है उनका, और साथ ही ये भी पूछ लिया कि यदि मान लीजिए कि वो दोनों सीट जीत गए तो कौन सी सीट से इस्तीफा देने वाले हैं, कम से कम उन्हें अब तो इतना बता ही देना चाहिए। मोदी के मुताबिक वायनाड में उन्हें रिस्क लगा होगा, इसलिए वे रायबरेली फिक्स करने पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लेकर सोनिया गांधी पर हमला बोला और कहा, मैंने पहले भी कहा था कि वो भी संसद में कि उनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, और वो भागकर राजस्थान चली गई और वहां राज्यसभा का चुनाव उनका हुआ।
उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी बता दिया था कि शहजादे राहुल गांधी वायनाड में हारने वाले हैं, इसलिए वायनाड में जैसे ही मतदान होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कहने लगे हैं कि अमेठी आएंगे, लेकिन वो अमेठी से इतना डर गए कि वहाँ से भागकर अब रायबरेली से रास्ता खोज रहे हैं। ये लोग घूम घूम कर कहते हैं कि डरो मत। मैं भी आज उनसे कहता हूं कि अरे डरो मत, भागो मत। क्या सच में राहुल गांधी वायनाड में अपनी स्थिति कमजोर मान रहे हैं? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि वरिष्ठ नेताओं ने ये फैसला लिया है और वायनाड के लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी का रायबरेली से इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि यहां से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था और सोनिया गांधी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया था। केरल में कांग्रेस की साझेदार मुस्लिम लीग के नेशनल जनरल सेक्रेटरी पी के कुंजली कहते हैं कि वायनाड के लोगों को खुशी होगी यदि राहुल गांधी वायनाड से जीतते हैं और यदि वायनाड में उपचुनाव होता है तो कांग्रेस यूडीएफ को अधिक मार्जिन से जीत मिलेगी। राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी इंडिया गुट को और ताकत देगी। राहुल गांधी के वायनाड और रायबरेली से एक साथ चुनाव लड़ने और फिर इस सवाल पर कि यदि वे दोनों सीट चुनाव जीत जाते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल के समर्थक यही कहते हैं कि जहां भी रहें स्थायी रहें, जबकि उनके विरोधी यही मानते हैं कि वे किसी भी सीट के लायक नहीं हैं। बीजेपी लगातार गिनवा रही है कि अमेठी से पिछला चुनाव हारने के बाद वे 4 बार ही लौटकर अमेठी गए हैं, लेकिन गांधी परिवार की परंपरागत सीटों अमेठी रायबरेली में एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग गांधियों के समर्थन में बिना किसी अपेक्षा के हमेशा खड़ा रहा है। गांधी परिवार के लोगों को चुनकर यह समझते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री चुन लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो कम से कम कांग्रेस के लिए वोट डालने वाले लोग रायबरेली में इतना तो सोचेंगे कि वे एक राष्ट्रीय नेता को संसद में भेज रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।